मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने हरियाणा में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, बिना मेरिट और बिना आरक्षण वाली कच्ची नौकरियां दी गई, उनमें भी जमकर पैसे चले। सबसे हताश होकर हरियाणा का युवा या तो नशे में और अपराध में पड़ गया है, या फिर उसे अपना घर बार बेचकर नंकी रूट से विदेश जाने को मजबूर होना पड़ा है। अब कांग्रेस ने तय किया है कि हमारी सरकार आते ही हम कच्ची भर्तियों का सिस्टम खत्म करेंगे और खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर मेरिट के आधार पर पक्की भर्ती करेंगे। सरकार के आते ही हम उसे दोबारा लागू करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि युवाओं का भविष्य बचाने के लिए 5 अक्टूबर को अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दें और अपनी सरकार बनाएं। मेरे प्यारे हरियाणा वासियों, पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने हरियाणा में बेरोजगारों की फौज खड़ी कर दी है। 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए, HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए पकड़े गए, अधिकारियों को सस्पेंड करना पड़ा, बिना मेरिट और बिना आरक्षण वाली कच्ची नौकरियां दी गई, उनमें भी जमकर पैसे चले। सबसे हताश होकर हरियाणा का युवा या तो नशे में और अपराध में पड़ गया है, या फिर उसे अपना घर बार बेचकर नंकी रूट से विदेश जाने को मजबूर होना पड़ा है। अब कांग्रेस ने तय किया है कि हमारी सरकार आते ही हम कच्ची भर्तियों का सिस्टम खत्म करेंगे और खाली पड़े 2 लाख सरकारी पदों पर मेरिट के आधार पर पक्की भर्ती करेंगे। सरकार के आते ही हम उसे दोबारा लागू करेंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि युवाओं का भविष्य बचाने के लिए 5 अक्टूबर को अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दें और अपनी सरकार बनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।